बार बार आप लोग पूछते हो कि टोंक जिले के अंदर में माननीय सचिन पायलट के, अशोक गहलोत जी के, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अशोक गहलोत जी एक घंटे पहले भी सीएम पद को नहीं छोड़ेंगे, मैं आपके माध्यम से कह दूं। और अगर जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी ना, तब रिजाइन करने जाएंगे। अगर तब भी उनसे कहना कि एक घंटे के लिए तो आप पायलट साहब को सीएम बना दो, वो कहेगा ऐसा क्यों कर दूं मैं, तब भी नहीं करेंगे। दो बात। तीसरी बात यह है, बार बार जब आप सबके सामने हैं कि 102 विधायकों का, प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिक्र किया कि 102 विधायकों के अंदर हों, फिर भी माननीय सचिन पायलट जी सोनिया गांधी से मिलने गए और उनके बाद जब निकल के आगे बात कही तो उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य 2023 है। अरे भले आदमी, 2023 तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी 2/3 से गवर्नमेंट बनेगी, तो 2023 के तो आप सारे इकट्ठे हो लो, तब भी कहीं खाता नहीं खुलता। तो मैं समझता हूँ कि जिस बात की बात बात करते हैं, देखिए आज के माध्यम से मैं कहूँ, आज दस जनपद माननीय अशोक गहलोत जी के सामने छोटा पड़ रहा है, क्योंकि जिस साहब का वातावरण हुआ, कांग्रेस भी सबने कहा कि ऐसा वातावरण कभी नहीं हुआ कि एक लाइन का प्रस्ताव, लेकिन अशोक गहलोत जी ने अपनी पावर दिखाई और बता दिया कि मैं हूँ, और वो सिद्ध करके दिखा दिया। तो मैं इस बात का कह रहा हूँ कि माननीय अशोक गहलोत जी के सामने कोई और लक्ष्य नहीं है।